Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel online Learn with Saad. Today we are here with class number 11. So in today's class, we will talk about has to modal verb. Okay, has to modal verb. So guys, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे YouTube अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलते रहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम हैज टू का इस्तेमाल होना सीखेंगे. ओके, हैज टू इज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट. टू एक्सप्रेस जाहिर करता है नेसेसिटी, जरूरत को इन द प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त. हैव टू में मैंने आपको यही बताया था, यही डिफिनेशन बताया था, लेकिन हैज टू वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता था. ओके, हैज टू क्योंकि सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर यानी कि ही शी इट एंड विद सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है एज टू. और हैव टू इस्तेमाल होता है आई वी यू दे एंड विद प्लूरल नाउन के साथ हैव टू इस्तेमाल होता है. ओके, हैव टू एज टू का बस इतना फर्क है. ओके, डिफिनेशन एक ही है. सेम इसी तरह उर्दू जुमलों के आखिर में भी यही आता है, यानी कि यहाँ पर लिखा हूँ ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है. ओके, सो एज टू का यूज है, ये सिर्फ यूज होता है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज टू इस्तेमाल होता है. ओके, हैव टू इस्तेमाल होता था आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव टू इस्तेमाल होता था. ओके, सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये इनका स्ट्रक्चर है. पहला जुमला है वो ये है, उसको वापस कराची जाना है या उसको कराची वापस जाना पड़ता है. सो पहला सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट है यहाँ क्या है, सब्जेक्ट उसको, तो उसको की इंग्लिश लिखेंगे ही. सब्जेक्ट बाद हैज टू, हैज टू लिखेंगे. हैज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है, गो. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, बैक टू कराची. ही हैज टू गो बैक टू कराची, उसको वापस कराची जाना है या उसको वापस कराची जाना पड़ता है. ओके, सेम इसी तरह उसे कपड़े सिलाई करने हैं या उसे कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं. ओके, सो सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट है क्या है, उसे, उसे की इंग्लिश लिखेंगे शी. शी के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज टू, हैज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है, सिलाई करना. सिलाई करना की इंग्लिश लिखेंगे सी यू. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े. कपड़े की इंग्लिश लिखेंगे क्लॉथ्स. शी हैज टू सी यू क्लॉथ्स, उसे कपड़े सिलाई करने हैं या उसे कपड़े सिलाई करने पढ़ते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हैज टू का पॉजिटिव सेंटेंसेस आई होप सो आप लोगों की समझ में आई हो कि हैव टू और हैज टू का बस इतना फर्क है कि हैज टू इस्तेमाल होता है ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज टू इस्तेमाल होता है एंड हैव टू इस्तेमाल होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव टू इस्तेमाल होता है. ओके, बस इतना फर्क है. ओके, डिफिनेशन सेम ही है, उर्दू जुमलों के आखिर में बस सेम ही है. ओके, सो चलते हैं इनकी नेगेटिव जुमलों की तरफ. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी हैज टू की नेगेटिव स्ट्रक्चर. ओके, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, डज नॉट हैव टू लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर के लिए हम डज. ओके, वहां पर हमने हैव टू के नेगेटिव में हम डू नॉट हैव टू लगाया. ओके, हम यहाँ डज नॉट हैव टू इस्तेमाल करेंगे. ओके, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, डू और डज का इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस डिटेल में करेंगे. ओके, यहाँ मैं डू और डज का डिटेल नहीं बता सकूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी जुमला मेकिंग. ओके, सेंटेंस मेकिंग. सो पहला जुमला है हमारे पास, उसे कपड़े नहीं धोना है या उसे कपड़े नहीं धोना पड़ता है. शी, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, डज नॉट के बाद हैव टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है, धोना, तो धोना की इंग्लिश लिखेंगे वॉश. ओके, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या है, कपड़े, तो कपड़े की इंग्लिश लिखेंगी क्लॉथ्स.
okay? She does not have to wash clothes. उसे कपड़े नहीं धोना है या उसे कपड़े नहीं धोना पड़ता है. ओके, सलीम को बाजार नहीं जाना है या सलीम को बाजार नहीं जाना पड़ता है. ओके, सलीम डज नॉट हैव टू गो टू बाजार. सलीम को बाजार नहीं जाना है या सलीम को बाजार नहीं जाना पड़ता है. सलीम डज नॉट हैव टू गो टू बाजार. ओके, सो इनका इंट्रोगेटिव जुमला कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इनका होगा. ओके, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इनका फुल आसान है क्योंकि हमने जिसके बाद नॉट लगाया है उसको हम शुरू से लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले. ओके, वो है डज. तो हम डज को लेकर सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. ओके, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, क्या अली को वहाँ जाना है या क्या अली को वहाँ जाना पड़ता है, लास्ट क्वेश्चन मार्क. डज अली हैव टू गो टू देयर, लास्ट क्वेश्चन मार्क. डज अली हैव टू गो टू देयर, क्या अली को वहाँ जाना है या क्या अली को वहाँ जाना पड़ता है. ओके, सेम इसी तरह, क्या उसको क्रिकेट खेलना है या क्या उसको क्रिकेट खेलना पड़ता है. Does he have to play cricket? Last question mark. Does he have to play cricket? क्या उसको क्रिकेट खेलना है या क्या उसको क्रिकेट खेलना पड़ता है? Last question mark. Does he have to play cricket? Last question mark. So students, ये रही हमारी has to modal verb की क्लास. पिछले क्लास में हम have to को पढ़े और इस क्लास में has to को इंशाल्लाह अगले क्लास में हम had to को पढ़ेंगे. सो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.